हेलो जी, आप देख ही रहे हैं कि आज का केक है बिल्कुल अलग नया सा। और ये है दो बुक जिनकी रिलीज होने वाली है, उनका बर्थडे भी और बुक का उद्घाटन भी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी। तो मैंने बनाए हैं ये दो केक स्पॉन्ज, और ये बनाए हैं मैंने 600 ग्राम प्रीमिक्स से, यानी कि ये ऑर्डर है 2 kg केक का और टिन का साइज है 8 इंच। और ये मैंने होममेड प्रीमिक्स से बनाया है जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं इनको डीमोल्ड कर लूँगी और बटर पेपर भी मैं इनका हटा दूँगी, और अब मैं इनकी ऊपर से पतली पतली सी लेयर निकाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पतली पतली सी हमें इसकी ऊपर से ये परत निकाल देनी है। और अब मैं इसकी लेयर कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने लेयर कट कर ली है। और अंदर से भी आप देखिए, बहुत ही अच्छा सा केक स्पॉन्ज हमारा तैयार हुआ है ये। तो दूसरा भी मैं इसका भी बटर पेपर मैं हटा दूंगी, और इसकी भी मैं लेयर कट कर लूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको भी ऊपर से कट कर लिया है। तो पतली पतली सी लेयर कट कर लेनी है, और इस तरह से मैं इसकी लेयर कट कर लूंगी। तो ये मैं 3 लेयर इसकी कट करूंगी, तो टोटल हमारी 5 लेयर इसकी मैंने कट कर ली है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमारा केक स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए, 5 हमारी लेयर तैयार हो चुकी हैं। और अब मैंने लिया है ये 1 कप पानी, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून भर के अच्छे से इसमें पाइनएप्पल का क्रश, और मिक्स कर लेंगे और इसका सिरप बना लेंगे। और ये मैंने 3 कप विप क्रीम ली थी, और इसको विप कर लिया है अच्छे से। और इसमें मैंने थोड़ा सा येल्लो कलर ऐड कर दिया है, जिससे कि ये थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर हो गया है। और क्रीम को अब मैं फिल कर लेती हूँ पाइपिंग बैग में। तो देखिए, इस तरह से मैं अच्छे से भर लेती हूँ पूरे पाइपिंग बैग को, और बची हुई क्रीम को मैं रख दूँगी फ्रिज में वापस, ताकि जितनी क्रीम की हमें ज़रूरत होगी उतनी ही क्रीम हम बाहर लेंगे और बाकी को रखेंगे फ्रिज में। तो क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है अच्छे से, और अब मैं रख देती हूँ क्रीम को फ्रिज में। और अब मैंने लिया है ये केक बोर्ड, और उसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है, और उसको हम पैलेट नाइप से मैं अच्छे से फैला देती हूँ। ये देखिए, अच्छे से मैं फैला देती हूँ इसको। और अब मैं रख देती हूँ अपनी पहली लेयर केक के बोर्ड पे, और उसको अच्छे से मैं सोक कर लूँगी पाइनएप्पल के सिरप से। तो आप हर वीडियो में आप देखते हैं ना कि मैं कभी भी शुगर सिरप इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा क्रश ऐड कर लेती हूँ पानी में, और बस उसी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है खाने में भी, और ज़्यादा मीठा भी नहीं हो पाता है। और अब मैंने लगा दी है क्रीम, और उसको भी मैं अच्छे से पैलेट नाइफ से फैला दूंगी पूरी लेयर के ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी पाइनएप्पल क्रश, और फैला लूंगी इसको अच्छे से। और अब मैं डाल दूंगी इसके ऊपर पाइनएप्पल के ये स्लाइसेस जो मैंने छोटे छोटे मैंने कट कर लिए हैं। और ये मैंने दिखाया था कि ये डेलमोंटा का जो टीन में लेके आई थी, उसको मैं अच्छे से दूसरे कंटेनर में निकाल के फ्रीजर में रख देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं निकाल के इसको कुछ देर के लिए बाहर रखती हूँ, फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं और मैं केक में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अब मैंने लगा दी है ये सेकेंड लेयर, और उसको भी मैं अच्छे से सोक कर लूँगी अपने पाइनएप्पल के सिरप से। सिरप से सोक करने से केक हमारा ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहता है। और इस तरह से पूरे केक की मैं लेयरिंग कर लूँगी, और साइड में भी मैं जैसे कि इसको सील करती जा रही हूँ साथ साथ। और ये देखिए, इस तरह से अच्छे से अपने केक की लेयरिंग कर लें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं आपको, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने कमेंट भी मेरे साथ शेयर करना। और ये देखिए, जो पाइनएप्पल के ये स्लाइसिस मैंने इसमें लगाए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्पेशल बोला जाता है कि पाइनएप्पल के स्लाइसेस इस्तेमाल करिए, तो मैं इसका एक्स्ट्रा चार्ज लेती हूँ। तो आपको अगर इसमें ये पाइनएप्पल के आप ये स्लाइसेस अगर आप लगाते हैं, तो आप पहले से ही कस्टमर को ये बता दें कि भाई इसका अलग से लगेगा, तो इसका मैं अलग से चार्ज लेती हूँ। तो आप ध्यान रखें कि अपने केक में जो भी आप चीज़ें आप ऐड करें, जो भी सामान लगाएं, तो उसकी कॉस्ट निकाल के ही आप कस्टमर को बताएं सारा कि इसमें ये चीज़ें हमने ऐड की हैं, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ध्यान रखना है कि आप कुछ भी जब केक में एक्स्ट्रा जब आप ऐड करते हैं, तो उसकी कॉस्ट ज़रूर निकाल लें,
और ये देखिए अब मैंने फाइनल लेयर भी इसके ऊपर लगा दी है, और इसको भी मैं अच्छे से सोक कर लूँगी पाइनएप्पल के सिरप से। तो मैंने बढ़िया से सिरप से सोक करके और ऊपर से मैंने पतला सा ये पतली सी जैसे ये विप्ड क्रीम लगा दी है, और साइड में भी ऐसे ही मैं लगा कर इसको क्रम कोट करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये डेकोरेट करते करते मुझे कॉल आया दोबारा से कि ऊपर बुक बनानी है, तो मैंने उसके लिए फटाफट से दोबारा केक स्पॉन्ज बनाया अलग से। तो ये देखिए ये मैंने केक स्पॉन्ज बना के रखा और इसको मैंने कट कर लिया है थोड़ा थोड़ा, तो ये आधा केजी मेरा और बढ़ गया, यानी कि ये 2.5 केजी का केक बन के तैयार हुआ है। सोक कर लूँगी मैं इसको अच्छे से, और इसको फ्लेवर देना है मुझे बटर स्कॉच का, यानी कि एक केक में दो फ्लेवर हो गए हैं। तो ये मैंने बटर स्कॉच का फ्लेवर दे दिया है इसमें, और ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें बटर स्कॉच का क्रश, और अच्छे से मैंने लेयर को कर लिया है कवर क्रीम से, और थोड़ा सा बटर स्कॉच पर लाइन में इसके ऊपर डाल देती हूँ, और इसको भी अच्छे से क्रीम से कवर कर दूंगी, इनके ढक दूंगी अच्छे से, और इसके ऊपर दूसरी लेयर में लगा देती हूँ। तो बुक होती है जैसे पतली, लेकिन ये हो गया थोड़ा सा बड़ा, यानी कि हाइट थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने बोला कि बड़ा चलेगा, बड़ी हाइट चलेगी पर कम नहीं होना चाहिए, तो मैंने ये बड़े साइज़ में ही ये बना दी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर दी है कवर अच्छे से पूरी लेयर चारों तरफ से, और अब इसको मैं साइड में रख दूंगी, इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूंगी। तो दो बुक बनानी है, तो दोनों बुक के लिए मैंने ये 1/2 केजी का ट्रे में मैंने केक स्पॉन्ज बनाया, और फटाफट मैंने ये ठंडा करने के बाद फटाफट इसकी आइसिंग भी कर दी है, और ये मैंने लेयर के ऊपर अच्छे से क्रीम लगा के ये थोड़ा सा बटर स्कॉच का क्रश डाल दिया, और अच्छे से फैला लूँगी इसको, और अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा पैरालाइन। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है, और अब इसके ऊपर मैं लेयर को सेट कर दूंगी दूसरी। और इस तरह का बुक केक भी मैंने पहली बार ही बनाया है, तो इस बार मेरा भी ये नया एक्सपीरियंस है एकदम। तो हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है, जो जो काम करते जाएंगे वैसे वैसे अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाता है, और नया नया कुछ करने का मौका मिलता है। तो ये दूसरी बुक के लिए भी हमारी अंदर का पार्ट हो गया है तैयार, इसको भी मैं केक के बोर्ड पे रख दूंगी, और इसको फ्रिज में रख देंगे क्रम कोट होने के लिए। और अब लिया है मैंने ये शुगर पेस्ट, और इससे मैं कटर से मैं इसको कट कर लूंगी। इनके ऊपर मुझे लिखना है नाम, एक के ऊपर लिखना टिश्यू पेपर, और एक के ऊपर लिखना है नदियां बहती है, इनका दो, ये एक टिश्यू पेपर जो बुक का नाम है और दूसरी बुक का नाम है नदियां बहती है, तो वो मैंने इनके ऊपर लिखना है। तो मैंने दोनों केक के ऊपर ये तैयार कर लिए हैं, और अब बचे हुए शुगर पेस्ट को रख देती हूँ साइड में उठा के। और ये देखिए ये है टाइलोज पाउडर, जिससे कि शुगर पेस्ट या फोंडेंट में थोड़ा सा मिक्स करने के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो अब देखिए आधे घंटे के बाद मैंने निकाल लिया है इनको बाहर, और अच्छे से मैं इनको दोबारा से क्रीम से कोट कर लूँगी, अच्छे मतलब कि अच्छे से क्रीम से मैं कवर कर लूँगी, ये देखिए। और अब मैंने ली है ये ऑयल ब्रश, और इससे मैं साइड में जिस तरह के बुक नहीं होती, बुक के जो पेज दिखाई देते हैं उसी तरह से मैं डिजाइन बना के रख लूँगी दोनों के। और अब मैंने लिया है ये ऑरेंज कलर का शुगर पेस्ट, मैंने वाइट शुगर पेस्ट में कलर मिक्स करके पहले ही रख लिया था, तो ब्लू और ऑरेंज कलर के बुक के जो ऊपर का पेज हैं, तो एक है ब्लू एक है वो ऑरेंज, तो मैंने ये दोनों कलर बना के रख लिए थे। तो ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर का जो पूरे अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है, और अब मैं इसको कट कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये एक साइज़ का मुझे मिले। ये देखिए इस तरह से साइड से भी मैं कट कर लूँगी, तो इस तरह से ये फोंडेंट कटर आता है, इसे बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। तो ये देखिए ये अच्छे से कट हो गया है, और इसको मैं सेट कर दूँगी अब जो हमने बुक बनाई थी उसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से सावधानी से बिल्कुल इसको हम अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे, और इसी तरह से मैं ब्लू वाला भी तैयार कर दूंगी, यानी कि दोनों एक ब्लू और एक ऑरेंज, तो दोनों तरह के मैं ये बुक बना के तैयार कर देती हूँ। तो साइज़ इनका बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है चलेगा। और अब मैंने
केक को भी बाहर निकाल लिया है फ्रिज से, और उसको भी मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ क्रीम से। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से सारे केक को कवर कर दिया है। और अब मैंने ये पैलेट नाइफ और उससे मैं अच्छे से केक को फिनिशिंग दे देती हूँ। तो इस तरह से आप हल्के हाथ से नाइफ को पकड़ें और अच्छे से इस तरह से टर्न टेबल घुमाते हुए फिनिशिंग दे दें साइड में केक को अच्छी तरह से। और साइड में जो मैंने गिलास रखा है, मैं अपने नाइफ को उस पर साफ करती जाती हूँ पैलेट नाइफ को। और अब ऊपर से भी देखिए इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल आपको इसकी फिनिशिंग दे देनी है। तो मैं सारे वीडियो में अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ कि आपको ऊपर से फिनिशिंग कैसे देनी है, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ये देखिए अच्छे से इस तरह से फिनिशिंग दे देनी है, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इस पे फिनिशिंग दे दी है। और अब मैंने लिया है ये जिगजैग वाला स्क्रैपर और साइड में मैं इसको अच्छे से इसकी इससे डिज़ाइन बना देती हूँ। और अब ली है मैंने ये ऑयल ब्रश और उसके अब केक के ऊपर बना देते हैं, इससे एकदम बढ़िया सा ये फिनिशिंग भी आ जाती है और सुंदर भी लगता है ये। और अब जो मैंने पहले केक बनाया था, एक ही दिन में ये दो केक के ऑर्डर थे मेरे, जो पीच कलर की क्रीम बनाई थी और जो इसमें मैंने ये ऑरेंज वाली क्रीम बनाई है, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है और उससे मैंने बना दिया है ये स्टार। तो ये ली है मैंने स्टार नोज़ल, जो सबसे छोटी वाली स्टार नोज़ल होती है वही मैंने ली है, और उससे मैं पूरे केक का बॉर्डर बना दूंगी। तो आप देख ही रहे कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। तो सारा बॉर्डर हो गया है तैयार। और अब बारी आती है हमारे गोल्ड फ्लेक्स की, यानी कि गोल्डन वर्क की। वो लगा दिया है मैंने सारा, और बुक भी मैं सेट कर देती हूँ अच्छे से अब केक के ऊपर। ये देखिए साइज़ में कितनी बड़ी लग रही है ना, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे कि बड़ी छोटी, हमें बस चाहिए तो केक 2.5 केजी का ही, क्योंकि ज़्यादा मेहमान है घर में तो इतना तो चलेगा ही। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर दी है ये इसके ऊपर, और मैंने इसमें डोवल लगाना है, मैं भूल गई थी पहले, तो अब मैं इसके अंदर ये डोवल लगा दूंगी। तो ये जैसे कि हम नारियल पानी या जैसे पीने के लिए हम नहीं ये स्ट्रॉ लेते हैं, तो मैंने वही इसमें लगाए हैं, वो बड़ी आसानी से कट भी हो जाते हैं। तो अब मैं दूसरे में भी लगा देती हूँ। तो ये अच्छे से मैंने सारा इसमें सेट कर दिया है डोवल को, और अब मैं टॉपर को अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देती हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर अच्छे से ये लिख भी दिया है टिश्यू पेपर, और नदियाँ बहती है। तो केक हमारा हो गया है बहुत ही अच्छे से तैयार। और अब जो ये ब्लू वाला हमारा जो बुक बनी है, तो उसके ऊपर बटरफ्लाई भी है उसके में, तो ये भी स्पेशल बोला गया कि इसके ऊपर बटरफ्लाई भी लगानी है। तो मैं ये बटरफ्लाई जो इसके साथ ये नॉन एडेबल है, और इसी के साथ ये वायर भी आता है, तो मैं अच्छे से इसके ऊपर ये सेट कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से मैंने लगा दी है, और एक और एक्स्ट्रा मैंने इसके साइड में लगा दी है ये। और केक हमारा हो गया है तैयार। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और ये लगा दी है साइड में भी। और अब मैं कुछ जो मैंने ये शुगर पेस्ट के फ्लावर बना के रखे हैं वो भी मैं इनके ऊपर लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने, और ये जो कटर है ये बहुत ही अच्छे से कटर आते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छे से हम नाम लिख सकते हैं, यानी कि शुगर पेस्ट से मैंने ये कट करके और इनको इस कटर से अच्छे से कट कर लिया, और इससे हम नाम लिख देंगे। तो ये नाम लिख दिया है हमने, जिनकी बुक का ये उद्घाटन है उन्हीं का ये नाम है कुंदा जी। और ये लगा दिया मैंने कैंडल, और हो गया हमारा केक तैयार। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक आप जरूर करिएगा।